चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत पहुंचे। जिनपिंग का पारंपरिक नृत्य और वेशभूषा में स्वागत किया गया। जिनपिंग के लिए एयरपोर्ट पर स्वागत नृत्य के साथ किया गया। महाबलीपुरम में पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को कृष्ण का माखन लड्डू दिखाया, साथ ही पंचरथ, अर्जुन तपस्या स्थल और शोर मंदिर घुमाया। इस दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नारियल का पानी पिया। तमिलनाडु के शोर मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के घाटे में होने की वजह से लाखों खाताधारकों के जीवन भर की जमा पूंजी अटक गई है, हजारों के बेघर होने की नौबत आ गई है। पिछले दिनों पंजाब के अलग अलग इलाकों में पकड़े गए हथियारों के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते पठानकोट पुलिस पूरी तरह चौकस दिख रही है। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को झटका लगा है। औद्योगिक उत्पादन में 1.1% की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़े अगस्त माह के हैं। बिजली उत्पादन और खनन क्षेत्रों में सुस्ती बने रहने की वजह से गिरावट दर्ज की गई है। आर्थिक मंदी की व्यापकता और कारणों को जानने के लिए समिति ने RBI गवर्नर और वित्त मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा के कालका पहुंचे, जहां सीएम ने कालका मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर में 370 हटाकर ऐतिहासिक फैसला किया। विपक्षी कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन एक पटाखा तक नहीं फूटा। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारी की जल्दी समीक्षा करेंगे। साल राम की पैड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा और करीब 5 लाख दीये जलाकर योगी सरकार रिकॉर्ड बनाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के VC लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने अयोध्या भवन मामले पर कहा, सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट फैसला देना चाहिए और अगर सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के पक्ष में निर्णय देता है तो भी वहां मस्जिद बनाना मुमकिन नहीं। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मक्खनपुर स्टेशन ग्लास फैक्ट्री में पहुंची, जहां कांच उत्पादन अवलोकन किया। कांच के ग्लास में प्रोडक्शन की जानकारी के साथ साथ आयात निर्यात पर भी जानकारी ली। लखनऊ के कैंट में हुए दीपू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त 32 बोर की अवैध पिस्टल बरामद। मऊ जिले में बीते 16 सितंबर को जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जिले के अमीलानगर पंचायत के बसावनपुर गांव में विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया, लेकिन अभी तक अधिकारियों की लापरवाही से कोई कार्रवाई नहीं। मथुरा में जिला कारागार में बनी पोशाकों को भगवान बांके बिहारी पहनेंगे। वहीं निजी कॉलेज के इस प्रदर्शनी में लगी पोशाकों को लोगों ने सहारा और पोशाकों की खरीदारी भी की। बांदा में जमीनी विवाद के चलते एक युवक को पड़ोसी ने गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांदा के कमासिन ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में वो लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं प्रभारी वार्डन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। बालिकाओं ने बताया कि प्रभारी वार्डन उनको सही खाना नहीं। सुल्तानपुर में सूबे के स्वास्थ्य और जिले के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साह बढ़ाया। फरुखाबाद से पूर्व विधायक और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका शाहजहांपुर में DJ कोर्ट ने खारिज कर दी है। लुईस खुर्शीद पर विकलांगों को उपकरण वितरण में लाखों रुपए के गबन का आरोप है। आगरा के पिनाहट क्षेत्र में विशाल अजगर ने CR को जकड़ कर मार डाला। ग्रामीणों में मचा हड़कंप, वनकर्मियों को दी गई सूचना। महाराजगंज में TikTok पर बहन का वीडियो अपलोड करने के विरोध में लड़की के भाई और दोस्तों ने मिलकर युवक की जमकर धुनाई कर दी। 4 युवकों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। बाराबंकी में बाढ़ राहत केंद्र कोटवा धाम में बाढ़ राहत सामग्री लेने आए ग्राम सरधा व परसा के सैकड़ों ग्रामीणों ने लिस्ट में नाम गायब होने से हंगामा काटा। ग्रामीणों ने हंगामा काटते हुए बाढ़ राहत सामग्री लेने से मना कर दिया। मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस और शराब सप्लायरों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 5 शातिर अंतर्राज्यीय शराब सप्लायर को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 4 तमंचे, 2 कार, 20 पेटी शराब, जहरीली शराब का केमिकल और 16 कारतूस बरामद। बिजनौर में बढ़ापुर थाना की पुलिस ने आवास योजना में पक्का मकान बनवाने के नाम पर अवैध वसूली करने वाले फर्जी समाज कल्याण विभाग के एक सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया है। पूर्व प्रधान की शिकायत के बाद पुलिस ने फर्जी सुपरवाइजर को रुपए लेते गिरफ्तार किया है। मेरठ में अर्धविक्षिप्त महिला के साथ गैंगरेप, अर्धविक्षिप्त महिला को जबरन शराब पिलाकर किया गया गैंगरेप। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को मौके से पकड़ा। थाना सरधना के चांदना गांव का मामला। बदायूं में नकली नोटों के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से पुलिस ने 76,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। पकड़े गए अभियुक्त ने एक सिपाही पर नकली नोटों का कारोबार करने का आरोप लगाया।
मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में हुई ट्रक लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने लूट के बाद ट्रक ड्राइवर क्लीनर को पीट पीट कर अधमरा किया था। सिद्धार्थनगर जिले के वडपुर कस्बे के मुख्य चौराहे पर चोरों ने वेस्टर्न यूनियन की दुकान का ताला तोड़कर 10 लाख नगद रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। पदोन्नति में धांधली के खिलाफ डिग्रीधारियों में आक्रोश है। इस मामले पर डिग्रीधारियों ने प्रमुख सचिव लोक निर्माण को पत्र लिखा। औरैया में दिल्ली से कटिहार जा रही झारखंड एक्सप्रेस को रोककर लूट करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए। आरपीएफ और जीआरपी चौकी प्रभारी निरीक्षक ने गिरफ्तार किया। सोनभद्र में पूर्व मंत्री रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया रेणुकूट पहुंचे, जहां रेणुकूट नगर पंचायत के दिवंगत चेयरमैन के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। 3 सितंबर को नगर पंचायत अध्यक्ष शिवप्रताप उर्फ बबलू सिंह की गोली मारकर हत्या। कानपुर में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट हो रहे ध्वस्त ट्रैफिक व्यवस्था भी अब स्मार्ट होने जा रही है। नगर निगम मुख्यालय में स्मार्ट सिटी मिशन के कॉमन एंड कमांड सेंटर संचालित होने वाले ट्रैफिक प्रोजेक्टों के लिए ट्रैफिक कर्मियों को ट्रेनिंग के लिए स्मार्ट सिटी कार्यालय में भेजा गया। हमीरपुर जिले में दबंगों की मारपीट और लूट का शिकार हुआ परिवार इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रहा है। इसके आदेश के बाद भी पुलिस दबंगों का साथ दे रही है। एटा में युवती से एक युवक शादी का झांसा देकर लगातार पिछले 4 सालों से उसके साथ बलात्कार करता चला आ रहा था। जब युवती ने आरोपी युवक से शादी के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। बलिया में मंडलायुक्त आजमगढ़ ने भारत समाचार की खबर पर मुहर लगाई। मंडलायुक्त ने कहा दूषित पानी पीने से 40 बच्चे बीमार हैं। पाइप लीकेज होने की वजह से पानी दूषित हुआ और कहा कि गांव में पीने के पानी पर रोक लगा दी गई। एटा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फरार चले 25,000 का इनामी पशु चोरी और तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी में एक बार फिर सेतु निगम की लापरवाही का मामला सामने आया है। निर्माणाधीन पुल का बीम गिरने से व्यक्ति घायल हुआ। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जौनपुर में जमीन के विवाद को लेकर पटीदारों द्वारा प्रताड़ित पीड़ित दंपति ने बच्चे के साथ डीएम कार्यालय के सामने आत्महत्या का प्रयास किया। मौके पर मौजूद डीएम के सुरक्षा कर्मियों ने तीनों को बचा लिया। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में कक्षा 7 में पढ़ने वाले छात्र को सेंट उमर स्कूल के स्टाफ ने पटका। छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र के परिजनों ने थाने में तहरीर दी। गाजीपुर का कोतवाली परिसर में बने मालखाना और स्वच्छता मिशन को ध्यान में रखते हुए स्नानागार संकुल का निर्माण कराया गया था, जिसका विधिवत शुभारंभ डीजी वाराणसी जोन ब्रजभूषण सिंह ने किया। हमीरपुर कोतवाली ने मध्य प्रदेश और छतरपुर रोडवेज के डिपो की आरटीओ ने चालान कर थाने में खड़ा कर दिया, जिससे इस बस में सवार यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरदोई में एसपी आलोक प्रियदर्शी ने अनोखी पहल शुरू की है। इसके तहत थाना अध्यक्षों को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को चाय पिलाएंगे। थाना अध्यक्षों की एक चाय पुलिसकर्मियों की रात्रि गश्त चुस्त दुरुस्त करेगी। सीतापुर के थाना तंबौर के सपहा गांव में अज्ञात कारणों के चलते 65 वर्षीय बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मेरठ के थाना इचौली क्षेत्र में पिता से अभद्रता करने पर एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर मौत की घाट उतार दिया। मृतक युवक अपने पिता से गाली गलौच और अभद्र व्यवहार करता था। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर के नगर कोतवाली पुलिस ने नगर के प्रसिद्ध मोहनी साड़ी शोरूम में चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने 2,92,000 रुपए के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया। हापुड़ में जिला विकास योजना के तहत प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने विकास भवन में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक में जिले के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप ने 8 बच्चों को रौंद दिया। बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पिकअप के साथ चालक को हिरासत में। झांसी कचरगांव थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह के चलते एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। कई लोगों के यहां बिजली चोरी पकड़ी गई। छापेमारी से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सुल्तानपुर पहुंचे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में अभी भी करीब 7,000 डॉक्टरों की कमी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्व सरकारों ने इस ओर सही ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज डॉक्टरों की कमी न होती। मेरठ पुलिस ने एटीएम चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे 4 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान कंटेनर में रहकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। मौलाना ने बताया सरकार के खिलाफ आजादी मार्च 27 अक्टूबर को निकाला जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी सऊदी अरब की यात्रा से पहले ईरान जा सकते हैं। इमरान रविवार को ईरान के एक दिवसीय दौरे पर जा सकते हैं। FATF की बैठक से घबराए पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने प्रतिबंधित संगठन लश्कर के 4 बड़े आतंकियों को आतंकी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मशहूर सिंगिंग शो इंडियन आइडल का 11वां सीजन कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है। इस शो के ऑडिशन वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।
बिग बॉस 13 के हर एक एपिसोड में खूब धमाका मच रहा है। अबू मलिक ने रश्मि के खाना बनाने को लेकर कई बातें कहीं। उन्होंने रश्मि देसाई को ताना मारते हुए कहा कि घर वालों को रोज बोरिंग खाना खाना पड़ता है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा एक ओर प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बिग बॉस जैसे कार्यक्रम अश्लीलता असभ्यता को बढ़ावा देते हैं। सलमान खान के खिलाफ कठोर रासुका के तहत मामला दर्ज कराने की मांग की गई। शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म कबीर सिंह ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। हाल ही में करीना से बातचीत के दौरान करीना ने प्रीति के रोल की बात करते हुए कहा वो प्रीति जैसे करेक्टर पर भरोसा नहीं करती। एक्ट्रेस सुहाली खान ने अपनी मां शर्मिला टैगोर संग लोटस फैशन वीक 2 में शिरकत की। दोनों एक्ट्रेसेस ने साथ में रैंप वॉक किया जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल। कसौटी जिंदगी की 2 में इन दिनों नए स्टार कास्ट को लेकर काफी चर्चा है। कुमकुम भाग्य के फेम शबीर अहलूवालिया जल्द ही कसौटी में नजर आएंगे। एक्ट्रेस सारा अली खान और कार्तिक आर्यन जल्द ही फिल्म लव आजकल 2 के पर्दे पर नजर आने वाले हैं। उनकी ये फिल्म वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज होगी। मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला की एक हमशक्ल आजकल काफी वायरल हो रही है। प्रियंका कानवल नाम की युवती न केवल उनके डायलॉग्स की कॉपी कर वीडियोस बनाती है बल्कि मधुबाला के गानों पर परफॉर्म भी करती है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन आज था। बिग बी अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं। मेगास्टार के फैंस इस मौके पर उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर बधाइयां दे रहे हैं। बॉलीवुड के शहनशाह अमिताभ बच्चन 77 साल के हो चुके हैं। इस खास मौके पर उनके लिए केबीसी के सेट पर एक सरप्राइज का आयोजन हुआ जिसे देख बिग बी भावुक हो गए। नेटफ्लिक्स के जरिए अजय देवगन और काजोल मल्टी जनरेशनल फिल्म त्रिभंगा के साथ अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं। ईरान में 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन में महिलाओं पर स्टेडियम में जाकर मैच देखने का बैन खत्म हो गया है जिसके बाद लगभग 3,500 महिला फैंस तेहरान के आजादी स्टेडियम में ईरान और कंबोडिया के बीच हुए फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच को देखने पहुंची। भारतीय क्रिकेट जगत के शानदार बल्लेबाज मनीष पांडे इस साल शादी कर सकते हैं। उनकी शादी साउथ इंडिया की एक्ट्रेस अश्रिता शेट्टी के साथ होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने पूरे टेस्ट मैच में अपने टेस्ट करियर का बेस्ट स्कोर बनाया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाते हुए अपनी टीम के लिए रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। पूरे टेस्ट मैच की पहली पारी में विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ 254 रन बनाकर नाबाद रहे और ये उनके टेस्ट करियर का अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रहा। Aiming to foster the spirit to students to have their startup will be attended by people from all over Kanpur. Series of guest lecture, workshop, panel discussion on various topics, key attraction of the event, speakers, entrepreneurs, co-founders and business managers. EAD's 11th edition, a nationwide initiative by Entrepreneurship Cell, IIT Khai.